प्रेस क्लब गढ़ महाराजा के ज़ेर एहतमाम सालाना मुनाकिद सीरत सैयदना उस्मान गनी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शेख इम्तियाज़ रहमानी, हाफिज़ अब्दुल सत्तार अंसारी और दीगर ने खिताब किया। खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क पाकिस्तान में हकीकी रियासत मदीना के तस्वर के लिए निज़ाम खुलफ़ाए राशिदीन का नफाज करना होगा। गढ़ महाराजा से मोहम्मद उमर फारूक की रिपोर्ट। प्रेस क्लब गढ़ महाराजा के ज़ेर एहतमाम सालाना मनाकिब सीरत सैयदना उस्मान गनी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शेख इम्तियाज़ अहमद रहमानी, हाफिज़ अब्दुस्सार अंसारी, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक जामी, शेख तौकीर अहमद, मौलाना एजाज अहमद जामी, अताउल मोहसिन नदीम, रायन सर सिद्दीकी ने खिताब किया। खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुल्क पाकिस्तान में हकीकी रियासत मदीना के तसव्वुर के लिए निज़ाम खुलफ़ाए राशिदीन का नफाज करना होगा। सैयदना उस्मान गनी अशरम बशरा के दमकते सितारे हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म व हिल्म में बेमिसाल, सखावत में बाकमाल और खिलाफत में लाजवाब थे। 44 लाख मुरबा मील ज़मीनी हुक्मरानी करने वाले सहाबी ने अर्ज़ मदीना में जंग पसंद नहीं की। तकरीब की सदारत चौधरी अकबर अली ने की। इस मौके पर मजर सलीम एडवोकेट, लियाकत अली मियोर, जुबैर इसाक, शेख मोहम्मद हुसैन, सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद सलीम, उस्ताद गुलाम यासीन, मोहम्मद उमर फरूक, मलिक इरफान हैदर, शेख मोहम्मद अला, राना खालिद महमूद सिद्दीक, कारी उस्मान, आमिर अली लंगा भी शामिल थे।